हेलो एवरीवन, आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के मेनली चार फीचर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म में भी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसे हम ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। और ओवरलोडिंग तीन तरह की होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने से पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर की, कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स एग्जैक्टली? तो सी प्लस प्लस में हमने देखा था ऑपरेटर्स कीबोर्ड के ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको जब हम किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो वो प्रोसेसिंग का काम करते हैं। ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं। प्रोसेसिंग का काम किस तरह से? मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा, ए प्लस बी। तो जब मैं ए और बी के बीच में प्लस साइन डाल रही हूं, कंपाइलर इसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को जोड़ देता है। माइनस लिखूंगी तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, ग्रेटर देन का साइन लिखा तो कंपैरिजन कर दिया। तो जितने भी ऑपरेटर्स आपने सी में पढ़े थे, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, जितने भी सिंबल्स आपने पढ़े थे, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स। अच्छा, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन कंपाइलर के पास है वो ये है कि ये जो ऑपरेटर्स काम करते हैं, दे ऑलवेज वर्क ऑन प्राइमरी डेटा टाइप। ये हमेशा काम करेंगे तो प्राइमरी डेटा टाइप पर ही काम करेंगे। अब प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन कौन से हो गए? तो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप्स में कैर हो गया, देन अगर हम इंटीजर्स पे जाते हैं देन वी आर हैविंग दिस शॉर्ट INT, देन लॉन्ग, फिर हम फ्लोट पर जाते हैं तो फ्लोट, डबल, देन लॉन्ग डबल। तो ये सब प्राइमरी डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप यहाँ पर a प्लस बी लिख रहे हैं या a माइनस बी लिख रहे हैं तो इट इज मैंडेटरी कि a और b स्पेसिफिकली प्राइमरी डेटा टाइप ही होने चाहिए। वो कैरेक्टर हो सकते हैं, वो INT हो सकते हैं, वो फ्लेट फ्लोट हो सकते हैं, बट वो कभी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, वो कभी क्लासेस नहीं होंगे। इस तरह से आप इन वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्लस साइन है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डेटा टाइप पर ही काम करता है। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। ये मैंने देव सी प्लस प्लस का हमारा स्क्रीन जो है वो ऑन किया और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो हमारा आयो स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है, देन वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड नेम स्पेस और यहाँ पर मैंने एक क्लास डिस्टेंस क्रिएट किया है। इसके अंदर प्राइवेट सेक्शन में हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड देन हमने यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए हैं, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस INT। एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और वैल्यू को देखने के लिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेन फंक्शन के अंदर परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस ऑपरेटर्स ऑन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अभी जो मैंने आपको लॉजिक दिया वो ये दिया कि ऑपरेटर्स का डेफिनेशन ये होता है कि दे विल वर्क ऑन प्राइमरी डेटा टाइप्स, बट मैं यहाँ पे उन ऑपरेटर्स को जो आपने सी प्लस प्लस में पढ़े थे या सी में पढ़े थे उनको मैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे यूज में लाऊंगी। एक ऑपरेटर था जिसका नाम था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस साइन होता है, हम लिखते थे ए प्लस प्लस या ए प्लस 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 ए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया D1 प्लस प्लस। वॉट इज D1? इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डिस्टेंस। तो D1 क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डिस्टेंस। इसको मैंने प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर दिया है। तो चलिए अब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल किया और जैसे हमने यहाँ प्रोग्राम को कंपाइल किया वी गॉट सम एरर हियर, नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस प्लस। बेसिकली अभी हाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि हम जो ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक, लॉजिकल वगैरह वगैरह, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं हम उनको प्राइमरी डेटा टाइप्स पे यूज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज देम ऑन रेफरेंस डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता है और ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए आपको एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, दैट इज ऑपरेटर फंक्शन। सो नाउ आई एम क्रिएटिंग दिस ऑपरेटर फंक्शन ओवर हियर। तो मैं यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। मैंने void लिखा, देन आई एम राइटिंग ऑपरेटर एंड देन ऑपरेटर में मैंने सिंबल यूज किया प्लस प्लस का साइन एंड नाउ आई एम पुटिंग माई कर्ली ब्रैकेट्स एंड आई एम राइटिंग प्लस प्लस x। अच्छा, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी कोड कर सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग, बट मैं यहाँ पर x की वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर इस एग्जीक्यूशन के आउटपुट को व्यू करने के लिए हम नीचे आते हैं एंड नाउ आफ्टर दिस स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना प्लस प्लस D1,
जैसे ही कंपाइलर स्टेटमेंट को पढ़ता है उसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा होता है, d1 ऑब्जेक्ट है क्लास का एंड प्लस प्लस तो फंक्शन है आपका, क्लास का फंक्शन है, तो हाउ कंपाइलर इज गोइंग टू इंटरप्रिट दिस स्टेटमेंट, तो उसको d1.plus कॉल कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लिखते हैं d1.add फंक्शन, कुछ इस तरह से ये इसको कॉल करेगा, जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल होते हैं क्लास के, वैसे यहाँ पर इसको भी कॉल किया जाएगा। तो इस तरह से इसको इंटरप्रिट किया जाता है, पर हम इसको लिखते हैं ऑपरेटर के फॉर्म में है। अब हमने यहाँ पर लिखा d1.this, सो दिस थिंग इज ओवर, इसको मैंने फिर कंट्रोल एस से सेव कर दिया है। अगेन नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट, फिर से मैं एग्जीक्यूट पर गई, कंपाइल किया मैंने यहाँ पर, नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ एरर, सो लेट्स रन इट। जैसे ही रन किया तो देखिए आउटपुट आ गया है, x की वैल्यू पहले 5 थी और बाद में 6 हो गई है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया है। प्लस प्लस ऑपरेटर जो बेसिकली प्राइमरी डेटा टाइप्स के साथ यूज होता है, नाउ वी आर यूजिंग इट ऑन रेफरेंस डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, थैंक यू।